दलित भी आकर्षित हो रहा है क्योंकि संविधान के बारे में अच्छा सबको ज्ञान है। बात है पब्लिक की, पब्लिक धीरे धीरे सर आंखों पे बैठा रही है। असद साहब को आने वाला ये लग रहा है कि हमारा युवा MIM पे भरोसा करेगा। मेल ये खा रही है कि हम लोग BSP के थे, लेकिन BSP धीरे धीरे मान्यवर काशीराम के द्वारा जो न्यू डाली गई है उससे अलग हटती जा रही है। मायावती नहीं आई जी, अब सतीश मिश्रा बोलिए आप लोग। जब सतीश मिश्रा जैसे लोग वहाँ पे गाइड करेंगे, बहन जी बोलेंगे नहीं। बहन जी ने जो तिलिस्म खड़ा किया है मान्यवर काशीराम की मेहनत की वजह से, और फिर इनकी भी मेहनत रही है, लेकिन अब जो हमारा दलित युवक है जो चाहता है उसके बारे में बोलती नहीं है। अगर कोई दलित बोलता है तो उसके ऊपर तरह तरह के मुकदमा लगा कर जेल भेज दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न लाल। शत्रुघ्न लाल जी, आज ओवैसी जी आए और उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, क्या लगा माहौल? माहौल अच्छा लगा और जनता का मूड धीरे धीरे, जो हमारा नौजवान है वो धीरे धीरे एक प्लेटफार्म पे आ रहा है और उसकी नौजवान की जो आवश्यकताएं हैं वो किसी और पार्टी में पूरी नहीं हो रही हैं, इधर उधर भाग रहा है। अब उनको एक ऐसा लीडर मिला है, दलित भी आकर्षित हो रहा है क्योंकि संविधान के बारे में अच्छा सर को ज्ञान है और संविधान के बारे में अच्छा बोलते हैं, संसद में बोलते हैं तभी संविधान की आवाज़ लगाते हैं। और रही बात है पब्लिक की, पब्लिक धीरे धीरे सर आंखों पे बैठा रही है। असद साहब को आने वाला ये लग रहा है कि हमारा युवा MIM पे भरोसा करेगा और जम के पोलिंग होगी। शत्रुघ्न लाल जी, ओवैसी पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो मुसलमानों के नेता है और AIMIM मुसलमानों की पार्टी, लेकिन शत्रुघ्न लाल भी आज जुड़े हैं ओवैसी के साथ। जी मैं उनके कुछ जो हमारे उनके विचार हैं, जिस विचारधारा के हम लोग हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा समय विचारधारा हमारी उनकी मेल ये खा रही है कि हम लोग BSP के थे, लेकिन BSP धीरे धीरे मान्यवर काशीराम के द्वारा जो न्यू डाली गई है उससे अलग हटती जा रही है, तो हम लोग कहीं दूसरा अपना लीडर खोज रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो बहुत से लीडर थे, बहुत सी पार्टियाँ थी, आपने सिर्फ एक मुस्लिम लीडर ही को चुना, AIMIM और ओवैसी को। जी वो बात तो सही, मैंने सारे लीडरों को देख लिया, हर बिरादरी के लीडरों को देख लिया, लेकिन एक बैरिस्टर जिसको हमारे यहाँ पार्लियामेंट में हो या संविधान के संवैधानिक दायरा में हो, कहीं भी हो, जिस तहजीब से वो बात करता है किसी नेता ने आज तक नहीं कहा है, ना हमारा कोई वहाँ पक्ष रखा है, बस हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी बात करेगा वो हम पर राज करेगा। तो आपकी बात तो लंबे अरसे से मायावती करती आ रही है। मायावती का फंडामेंटल बिल्कुल चेंज हो चुका है, मायावती जी परशुराम जी की मूर्ति लगाने जा रही हैं। मायावती तो वहाँ पे मायावती नहीं आई जी, अब सतीश मिश्रा बोलिए आप लोग। जी BSP पार्टी सतीश मिश्रा की होगी। और क्या सर, जब सतीश मिश्रा जैसे लोग वहाँ पे गाइड करेंगे, बहन जी बोलेंगे नहीं। बहन जी ने जो तिलिस्म खड़ा किया है मान्यवर काशीराम की मेहनत की वजह से, और फिर इनकी भी मेहनत रही है, लेकिन अब जो हमारा दलित युवक है जो चाहता है उसके बारे में बोलती नहीं है। अगर कोई दलित बोलता है तो उसके ऊपर तरह तरह के मुकदमा लगा कर जेल भेज दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि जो असद साहब हैं उनके कदमों में हम देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन कहीं मिलेगी दलितों को। काफ़ी हमारी संख्या में दलित लोग अभी आए हैं, और 7 साल पहले मैं आया था अकेले, मैंने हैदराबाद जाकर देखा था, वहाँ जो नज़ारा मैंने देखा है, वहाँ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या भगवान बुद्ध की ऐसी ऐसी तस्वीरें मैंने देखी, जैसे प्लेटफार्म से उतरा देखा बाबा साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें, जो सम्मान प्यार मैंने वहाँ देखा है, वहाँ के अस्पतालों को देखा, वहाँ की यूनिवर्सिटी को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, और यहाँ तो अफरा तफरी मची हुई है सर। बस 17 में भी आपकी पार्टी को वोट कटवा कहा जा रहा था, 22 में भी यही बात कही जा रही है, तो इसे कैसे हटाएंगे? सर एक कहावत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 17 में भी सुपड़ा साफ हुआ था, 22 में कितनी सीटें ला रहे हो? जी 22 में सीटें, वैसे तो हमारे सज्जाद साहब और शौकत अली साहब पूरा डिसाइड करेंगे कितने पर चुनाव लड़ाएंगे, कितना सीटें लाएंगे, उस पर हमें मुझे बोलना ये नहीं है कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। शत्रुघ्न लाल जी आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है शत्रुघ्न लाल गौतम।
गौतम जी ये बताइए कि आपके जो बरादरी के लोग हैं, क्या आपसे कभी किसी ने कहा कि जो वैसे के साथ मत जाओ, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, क्या किसी ने भड़काने की कभी कोशिश की? जी कोशिश तो मैंने बहुत लिया, आज तक लोग कह रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिनका जमीर जाग जाता है वो पीछे लग जाते हैं। भाई यहाँ पे तो गंगा जमुनी तहजीब लोग बता रहे हैं, हम देवा जाते हैं, कहीं मौनीदास जाते हैं, कहीं हतमापुर जाते हैं, जिसको जहाँ भला देखता वहाँ वो जाता है, है इसी तरीके से अपने स्वार्थ, हर आदमी का कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है। मैंने बसपा को करीब लगभग 30-35 साल तक के वोट किया और बाकी पोलिंग पर गए और जमानत भी कराई, लेकिन आज तक बसपा में जहाँ थे वहीं हम बने रहे। आज MIM में जो मुझे प्यार सम्मान दिया गया है वो आज तक कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है सर, दलित भी आकर्षित हो रहा है क्योंकि संविधान के बारे में अच्छा सर को ज्ञान है। बात है पब्लिक की, पब्लिक धीरे धीरे सर आंखों पे बैठा रही है, असद साहब को आने वाला ये लग रहा है कि हमारा युवा MIM पे भरोसा करेगा। मेल ये खा रही है कि हम लोग BSP के थे, लेकिन BSP धीरे धीरे मान्यवर काशीराम के द्वारा जो न्यू डाली गई है उससे अलग हटती जा रही है। मायावती नहीं आए जी, अब सतीश मिश्रा बोलिए आप लोग। जब सतीश मिश्रा जैसे लोग वहाँ पे गाइड करेंगे, बहन जी बोलेंगे नहीं, बहन जी ने जो तिलिस्म खड़ा किया है मान्यवर काशीराम की मेहनत की वजह से और फिर इनकी भी मेहनत रही है, लेकिन अब जो हमारा दलित युवक है जो चाहता है उसके बारे में बोलती नहीं है। अगर कोई दलित बोलता है तो उसके ऊपर तरह तरह के मुकदमा लगा कर जेल भेज दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो हम सोच